नमस्कार, मेरा नाम सोहम अर्जुन लाड है। आज मैं आपको वादा रखने के बारे में एक कहानी बताने जा रहा हूँ। तो मैं शुरुआत करता हूँ। एक महापुरुष का नाम है जिसका नाम राजा हरिश्चंद्र था। उसकी पत्नी तारामती के साथ वह एक बार न एक साधु के पास गया। साधु के पास उन्होंने कहा कि हमें एक पुत्र चाहिए। इसलिए न साधु ने उन्हें कहा कि आप न वरुण देवता की तपस्या करें। तो तपस्या करने के बाद वरुण देवता प्रकट हुए और उन्होंने वरदान मांगते हुए कहा कि हमें एक पुत्र चाहिए। वरुण देवता ने कहा कि वो पुत्र देंगे, पर पुत्र जन्मने के बाद उन्हें वो पुत्र वापस देना होगा। तो ना उनके पास कुछ ना ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने वादा कर दिया। तो फिर एक बार तारामती के गर्भ से एक पुत्र जन्मा। तभी वरुण देवता प्रकट हुए। तभी राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि अभी तो वो जन्मा हुआ है, इसलिए उसके दांत निकलने तक हमारे साथ उसे रहने दीजिए। इसलिए वरुण देवता ने ठीक है खाकर वो चले गए। और 5 साल के बाद वो फिर प्रकट हुए और फिर हरिश्चंद्र ने कहा कि उसे और थोड़ा सा बड़ा होने दीजिए। ये कहकर वरुण देवता फिर एक बार चले गए। और जब न वो बड़ा हो गया तभी वो रहस्य पता चल गया कि उसके पिता ने ऐसा वादा किया है। इसलिए वो पुत्र घर से भाग चला गया। और तभी वरुण देवता प्रकट हुए और उन्होंने पुत्र मांगा। तो हरिश्चंद्र ने कहा कि वो पुत्र तो भाग गया है घर छोड़ के। तो वरुण देवता ने उसे शाप दे दिया कि और देने के कारण उसकी पूरा शरीर न फूल रहा था। वो पीरा में न वरुण देवता से माफ़ी मांग रहा था। इसलिए वरुण देवता ने उसे शाप मुक्त कर दिया। यह करके राजा हरिश्चंद्र ने वरुण देवता को बहुत शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आज से मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं कभी ना वादा तोड़ूंगा नहीं। इसलिए उनका नाम सत्यवान हरिश्चंद्र है। धन्यवाद।